नमस्कार, नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में रुआ सभी के स्वागत बा। हम हई शशि प्रिया। चुनावी माहौल बा। 2019 लोकसभा चुनाव के लेके तमाम पार्टी अपन अपन तैयारी में जुटल बारे, तो ए में बीजेपी कैसे पीछे रहो? आखिर सत्तारूढ़ दल जे ठहरल तो बीजेपी एक नया रणनीति के तहत तमाम जितना भोजपुरी के सतारन बारन सबके चुनावी मैदान में उतार देले बा। तो बीजेपी जौना तरीका से चुनावी मैदान में सतारन के उतरले बा और जिस तरीके से चुनावी मैदान में बीजेपी के तमाम ए सितारन काम करतारन, देखे वाला बात बा कि का बीजेपी के बड़का जीत मिली। बीजेपी जो रणनीति से काम करतारी वो क्या ओकरा पर सही उतर पई है? क्या जो मानक बनेले बाड़े बीजेपी के तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी, क्या ओ पर निरहुआ की अगर हम बात करी तो वो खड़ा उतरी हन? मनोज तिवारी के बात करी तो वो खड़ा उतरी हन? अगर हम रवि किशन के बात करी तो का वो खड़ा उतरी हन? ये एक बड़का सवाल बा। और जब भी चुनावी मैदान में कोई नेता या गायक चाहे कोई भी सेलिब्रिटी उतरेला तो ओकरा खातिर खूब तैयारी कर जाला, तो यही तैयारी के बीच में दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ के खातिर आकाश भाई खूब गाना गौले बारन और लोगन से अपील कैले बारन कि इंकरा के जिताई। का कुछ कहतरन आकाश भाई, सुनी हमारे वीडियो में। अरे हमरा निरहु भैया जी के तू जिता दिहा, संसद बनाए दिहा हो। हमरा निरहु भैया जी के तो जिता दिहा, अब विजयी बनाए दिहा हो। इनके आजमगढ़ से दिल्ली तक पहुँचा दिहा, अब विजयी बनाए दिहा हो। की बार था चली के बाके इतना पानी में, हम मोदी जी के रथिया जाई फिर राजधानी में। अब प्यार या दुलार तोहार इनका के चाही, आ कोई प्यार लाल हुए मठ सिपाही। दबतिया कसबा के तून का तक पहुँचा दिहा, अब विजयी बना दिहा। तब पोलिंग बूथ पे कमल वाली बटन दबाए दिहा, अब विजयी बना दिहा। तो रउआ सभी देखने की चुनावी मैदान बाई, चुनावी मैदान में तमाम तरह के हथकंडा अपनावल जाता है। यही में ई वीडियो भी सामने आयल रहल है, जो वीडियो हम रउआ सभी के समक्ष पेश करनी। अगर वीडियो से कोई जीत जाए और वीडियो के लेके अगर केहू चुनावी मैदान में उतरे और ओकरा बहुमत मिल जाए तो ई बड़का बात बा, सब कोई गाना गावे लागे। तो आकाश भैया के काम रहल अपील करल, लेकिन अब जनता के ऊपर बा कि जनता का आकाश भैया के बात मनी है। जनता जनार्दन बारी और जनता सब कुछ जाने ली, तो जनता के ऊपर निर्भर सब बा। ये चुनावी मैदान में जनता भगवान बारी, तो देखे वाला बात हुई कि चुनावी मैदान में निरहु जेकरा बारे में लगातार कई तरह के बयान चलता, निरहु आजमगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा बारन और उनकरा के लेके कई तरह के बयान भी सामने आयल बा। ए में पहले कुछ जोन विधायक रहले वो कहलन कि कहाँ अखिलेश यादव और कहाँ निरहु, एकर हमारा पास वीडियो भी बा और हम लगातार ये खबर भी दिखेले बानी रउआ सभे के। अगर रउरा पास कोई सुझाव हो के तो हमरा के जरूर दी। ए में वो कहले रहलन कि कहाँ अखिलेश यादव सूरज के समान और निरहु दीपक के समान बारन, ये हम नहीं कहत बल्कि विपक्षी दल के नेता कहले बारन। अब ये देखे वाला बात हुई कि का ई जो दीपक बा आपन प्रकाश फैलाई, का सूरज के सामने ई दीपक आपन चमक बरकरार रख पाई, ई तो 23 मई के बादे पता चली। तब फिलहाल हमरा के दही इजाजत, देखत रही नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया, लेकिन सब्सक्राइब करल बिल्कुल भी ना भूलब, सब्सक्राइब भी करी और आपन सुझाव भी दी ताकि हमरा समझ आ सके कि ये जो खबर बार हुआ सबके कितना पसंद आई।